नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो लाइक क्लॉज के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल बता देता हूँ, और मैं इससे पहले मैं एक लेक्चर में मैं आपको लाइक क्लॉज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अभी मैं थोड़ी बहुत आपको इसकी डिटेलिंग बता देता हूँ। ओके, तो इसके पहले पहले पॉइंट क्या है, लाइक ऑपरेटर इज अ लॉजिकल ऑपरेटर दैट टेस्ट वेदर अ स्ट्रिंग कंटेन स्पेसिफिक पैटर्न और नॉट। ओके, ये स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो क्या कंटेन करता है या नहीं करता है, ये सभी चीज के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखो, लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन वेयर क्लॉज सेलेक्ट एंड डिलीट अपडेट स्टेटमेंट टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन पैटर्न। ओके, ये बेस्ड ऑन पैटर्न ये सेलेक्ट डिलीट स्टेटमेंट के साथ यूज किया जाता है। फर्स्ट इसकी जो पॉइंट है, ये परसेंटेज यूज करता है। परसेंटेज क्या करता है, ये जीरो और मोर कैरेक्टर को ये करता है, मैच करता है। और ये अंडरस्कोर क्या करता है, अंडरस्कोर एक वाई, ये भी एक वाइल्ड कार्ड मैच के लिए यूज किया जाता है। इसका कहना है ये होता है कि या तो ये स्टार्टिंग या फिर ये एंडिंग। अगर स्टार्ट एक ऑब्जेक्ट, अगर एक एक कोई एक सेंटेंस है जैसे कि ए बी सी अगर लिखा हुआ है, तो यहाँ जो अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको सर्च करना है ए बी सी को, तो यहाँ लिखोगे आप ए एंड देन अंडरस्कोर बी। ओके, तो ये सर्च करेगा इसे, तो ये इस तरीके से ये काम करता है। ओके, अब चलते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इट प्रोवाइड अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल पैटर्न मैच दैट कैन हेल्प अस इंप्लीमेंट पावरफुल पावर सर्च यूटिलिटीज फॉर आवर डेटाबेस सिस्टम। ओके, ये पावरफुल सर्च के लिए यूज किया जाता है। ओके, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ओके, तो ये आपको समझ गए, आपने यहाँ पर आपने बहुत जगह लाइक क्लॉज के बारे में तो ऑल पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, बट यहाँ पे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बहुत कम देखा होगा, बहुत कम इसके बारे में किसी किसी ने सुना होगा। तो इसके बारे में हम पहले पहले ज्यादातर हम गौर करेंगे यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने लाइक क्लॉज के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ इसकी जो सबसे ज्यादा अगर यूज, इसकी जो ऑपरेटर है वो कौन कौन सी है, एक ये ऑपरेटर, फिर डॉलर साइन, फिर कॉमा, डॉट, फिर ये सब ऑपरेटर यूज किया जाता है। ओके, तो ये सब किस किस जगह यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग आपको मैं दूंगा। और मैं अभी मैं आपको डेटाबेस पे अच्छे से उसे समझाता हूँ कि क्या इसमें कैसे काम करना होता है, इसे कैसे वर्क करना होता है। तो अब चलते हैं हम डेटाबेस पे, और आपको वहां मैं इसके डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि लाइक एंड रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है और इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो अब देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस अपने टेबल शो कर देता हूँ। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, मैं डिपार्टमेंट टेबल से फेच करूंगा। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक। ओके, डिपार्टमेंट नेम लाइक मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेजर को फेच करना चाहता हूँ। ओके, तो मैनेजर को फेच करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं मैनेजर की स्टार्टिंग क्या है, एम है। ओके, और उसके बाद से मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उसमें कोई भी कैरेक्टर है मुझे उसे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे एम से कैरेक्टर को फेच करना है। ओके, तो एम कैरेक्टर को फेच करना है, तो ये मैनेजर को इसने फेच कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी दूसरी जो ये है जो मेथड है लाइक क्लॉज की, उसे अब मैं यूज करूंगा अंडरस्कोर को। और अंडरस्कोर बहुत इंटरेस्टिंग है, वो समझने के बाद आपको बहुत मजा आएगा उसे कि अरे ये क्या चीज है। तो अब देखो यहाँ पर कि कैसे इसे यूज करते हैं अंडरस्कोर को। अंडरस्कोर का क्या सीन है कि यहाँ जो है, अगर मैं चाहता हूँ क्लर्क को फेच करना चाहता हूँ सपोज, ओके, तो क्लर्क सी से स्टार्ट होता है एंड के से खत्म होता है, इसके बीच में कितने कैरेक्टर है, एल ई आर, तीन कैरेक्टर यहाँ पर बीच में है। ओके, थ्री कैरेक्टर है बीच में, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर जो दूंगा वो तीन दूंगा। ओके, तो सी एक, एक दो एंड तीन। ओके, तीन में अंडरस्कोर दिया एंड देन उसके बाद से मैं के लिखूंगा और तब मैं इसे रन करूंगा तो ये क्लर्क शो करेगा। ओके, तो ये थोड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर मैं मैनेजर अगर देखना चाहता हूँ मैनेजर को, तो मैनेजर को एम एंड ए एन ए जी ई, ओके, एंड देन आर,
तो ये क्या करेगा, ये मैनेजर शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और अंडरस्कोर दे देता हूँ, तो ये जीरो, ये कुछ एरर शो नहीं कर रहा, ये बस एम्प्टी सेट ये करेगा, शो करेगा। ओके, तो ये होते हैं हमारी अंडरस्कोर के बारे में। अब हम चलते हैं यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे हम यूज करते हैं रियल लाइफ में। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सेम वही रहेगा। आप यहाँ क्या करो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, लाइक को हटाकर REGEXP कर देता हूँ। ये जो REGEXP मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन जो लिखा है, ये ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल में ही होगा, ये स्मॉल में भी हो सकता है, जिस तरह का लिखना है, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप इस पर ज्यादा आप ध्यान मत देना। ओके, तो इसकी जो फर्स्ट है कि मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग एलिमेंट को मैं फेच करना चाहता हूँ। ओके, अगर मैं जैसे कि लाइक क्लॉज में अभी मैं यूज किया था ये परसेंटेज के साइन, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यहाँ मैं यूज करूंगा, आप देखते जाओ, मैं ए को फेच करना चाहता हूँ, कहाँ से, स्टार्टिंग से। ओके, ए को मैं फेच करूंगा स्टार्टिंग से, और मैं चाहता हूँ उसके साथ बी भी हो, सी भी हो। ओके, मैं चाहता हूँ कि ए भी, ए वाले कैरेक्टर भी फेच हो जाए, बी वाले कैरेक्टर भी फेच हो जाए, एंड सी वाले कैरेक्टर भी, स्टार्टिंग के सी वाले कैरेक्टर भी फेच हो जाए। ओके, ये जो साइन होता है ना, ये अगर आप शिफ्ट एंड सिक्स ये करोगे, इंटर करोगे, तो ये साइन आपको शो करेगा। तो ये साइन जो होता है, ये क्या करता है, ये स्टार्टिंग एलिमेंट को शो करता है। ओके, ये करता है, फेच करता है। तो अब देखो इसकी जो आउटपुट क्या आने वाली है, हमारी आउटपुट क्या है यहाँ पर, क्लर्क, एनालिस्ट, क्लर्क। ओके, बी से कोई कैरेक्टर हमारा था नहीं, अगर यहाँ आप देखो तो बी से कोई कैरेक्टर है, बी से कोई कैरेक्टर स्टार्ट हो ही नहीं रहा। ओके, तो ये बी से शो करेगा भी नहीं। ओके, अब देखो इसके दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट मेरी ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसे एंडिंग जो होता है हमारा, जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग होता है, उसे मैं फेच करना चाहता हूँ। तो ये कैसे होगा, अगर मैं चाहता हूँ एनालिस्ट अगर टी से लिखा हुआ है, तो मैं टी से मैं फेच करने की कोशिश करूंगा। तो ये टी को कैसे फेच करेगा, लाइक एंड रेगुलर एक्सप्रेशन में यही डिफरेंट है बहुत ही बड़ा। आप देखो यहाँ मैं टी लिखूंगा, और उसके बाद से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परसेंटेज साइन दूंगा, डॉलर साइन दूंगा। ओके, और ये सभी चीज को मैं रिमूव कर दूंगा, ये भी मैं रिमूव कर दूंगा। अब सॉरी, ये मैं इसे ये रखूंगा। अब देखो ये क्या आ रहा है, एनालिस्ट शो कर रहा है। तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है, लास्ट में टी, सभी के लास्ट में टी है, तो टी को ये शो कर रहा है। अब देखो इसमें जो सबसे डिफरेंट, सबसे मतलब इसमें लाइक एंड आप रेगुलर एक्सप्रेशन के डिफरेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ये क्या इसमें अलग अलग है, तो यहाँ देखो कि डॉलर साइन जो मैं यूज कर रहा हूँ और परसेंटेज साइन जो मैं यूज करता था लाइक क्लॉज में, देखो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज साइन मैं इस तरफ यूज करता था, तो ये क्या शो करेगा, स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग में जितने एम से स्टार्ट हो रहे हैं वो। ओके, एम एंड उसके बाद से जो कैरेक्टर आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्टार्टिंग होना चाहिए। ये क्या कर रहा है, एंडिंग एंड उसके बाद से डॉलर साइन, समझ रहे हो, यहाँ पर एंडिंग के एंड में आपको कौन से कैरेक्टर को फेच कर रहा है, टी को, एंड उसके बाद से डॉलर साइन का, ये सिंटेक्स है यहाँ पर, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और इसकी जो ट्रिक है, यहां मैं यूज करूं, अगर मैं डायरेक्ट क्लर्क कर देता हूं, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ये क्लर्क को शो करेगा। ओके, डायरेक्ट ये क्लर्क को शो कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कैरेक्टर्स के नंबर, ओके, के सिक्स, ये कितने कैरेक्टर के, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन कैरेक्टर का ये एनालिस्ट है। ओके, तो मैं चाहता हूं इस एनालिस्ट को नंबर से ये करो कि कितने कैरेक्टर के हैं, तो 9, तो 6 या 7, 7 कैरेक्टर एनालिस्ट हुआ, 7 कैरेक्टर जो भी हुआ, सपोज ये प्रेसिडेंट भी 7 कैरेक्टर का है, तो वो प्रेसिडेंट को भी शो करे, तो ऐसा करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं यूज करूँगा इस तरीके से, आप देखो यहाँ पर स्टार्टिंग ये साइन भी यूज किया जाता है, डॉट एंड कर्ली ब्रैकेट, कितने कैरेक्टर है, 7, एंड उसके बाद से डॉलर साइन। ओके, तो ये सभी साइन इसमें यूज किया जाता है। तो अब इसको क्या ये शो करेगा, एनालिस्ट, एनालिस्ट शो करा, मैनेजर शो करा, एनालिस्ट मैनेजर, ये सभी ये शो करेगा। ओके,
तो सेवन कैरेक्टर आप काउंट कर सकते हो, सेवन से होगा, ये सिक्स कैरेक्टर है। तो मैं चाहता हूँ क्लर्क को फेच करना सिक्स कैरेक्टर के जो जितने एलिमेंट है, जितने भी रिजल्ट है, तो उसे शो करने के लिए। तो ये थ्री एंड टू फाइव, सिक्स कैरेक्टर के है ही नहीं कुछ यहाँ पर, तो ये शो नहीं करेगा, क्लर्क को इसने फेच कर दिया। तो ये होते हैं हमारे कौन से, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लाइक क्लॉज के बारे में डिफरेंस, कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये सभी काम तो सेम ही कर रहा है, बट डिफरेंस इसमें क्या है, बहुत बड़ी। इसमें डिफरेंस यही है कि सपोज मैं यहां यूज कर रहा हूं ए, ये रिजल्ट क्या क्या शो कर रहा, सेल्समैन मैनेजर एनालिस्ट मैनेजर एनालिस्ट। ओके, क्यों ये शो कर रहा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ए है। ओके, कहीं ना कहीं ए वैल्यू है, ए अल्फाबेट है। ओके, अब यहां मैं सपोज यहां मैं यूज करता हूं लाइक क्लॉज, इसने कोई रिजल्ट शो नहीं करा। ओके, अब आप समझ रहे हो इसमें क्या ये कर रहा है, इसमें ये एम्प्टी रिजल्ट शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि लाइक क्लॉज हमेशा ये क्या करता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसे वो फेच करता है। ओके, और ये क्या करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है कि ये पूरे कॉलम में रो में ये करेगा, ये ट्रैवर्स करेगा, और वहां पे जितने एलिमेंट होंगे उससे वो मैच करेगा। अगर कोई भी उससे मैच किया तो उसे वो शो कर देगा एज अ रिजल्ट। अगर मैं सपोज यहां मैं बी कर देता हूँ, ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं यहाँ बी कर दिया, तो इसने कोई कोई रिजल्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसमें भी इसमें पूरे डिपार्टमेंट नेम में कहीं पर भी बी नहीं आता है। ओके, तो इस वजह से वो शो नहीं करेगा। तो ये होती है हमारी डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन और लाइक क्लॉज के बीच में। तो ये बहुत ही माइनर डिफरेंट है, अदरवाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों सेम ही होते हैं। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लाइक क्लॉज दोनों सेम होते हैं, जब तक आप इनके सारे सिंबल को, अगर आप ये सब सिंबल अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे कि स्टार्टिंग एंडिंग, ओके, तो अगर आप ये सब यूज कर रहे हो देन ये सेम है, एक दूसरे के तरह ही है। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से अगर आप इन्हें फेच करने की कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट अगर इस तरीके से फेच करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर ये थोड़े बहुत डिफरेंट है। ओके, ये क्या करेगा रेगुलर एक्सप्रेशन, मैं एक बार और बता देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन ये एक सिंबल को लेगा और उसके पैटर्न को मैच करेगा, पूरे पैटर्न को, अगर वो कहीं पर भी वो दिखा तो उसे फेच करके रिजल्ट शो कर देगा, अदरवाइज नहीं रहा तो वो रिजल्ट शो नहीं करेगा। ओके, एरर नहीं आएगा, वो एम्प्टी सेट शो करेगा। अब देखो लाइक क्लॉज में क्या है कि ये डायरेक्ट एक कैरेक्टर को फेच, अगर आपने एक कैरेक्टर दिया तो वो उससे उसको ये पता करना है कि क्या वो स्टार्टिंग हो एंडिंग हो या मिडिल हो। ओके, अगर वो आपने नहीं दिया है तो वो यहाँ पे कंफ्यूजन उसको होगा और यहाँ पर वो कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा, ये एरर शो नहीं करेगा और ये सिर्फ एम्प्टी सेट को ये करेगा, फेच करेगा, शो करेगा। अब देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लाइक क्लॉज यूज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं क्या किया कि परसेंटेज मैं यहाँ यूज कर दिया। ओके, यहाँ मैं परसेंटेज यूज कर दिया दोनों साइड और फिर मैं क्या करा, मैं अब इंटर कर दिया, तो अब ये क्या रिजल्ट शो कर रहा है, अब ये वो रिजल्ट शो कर रहा है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन में रिजल्ट आया था। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या रिजल्ट आया था, सेल्समैन मैनेजर एनालिस्ट। ओके, अब देखो यहाँ सेल्समैन मैनेजर एनालिस्ट अब ये सेम रिजल्ट शो कर रहा है। ओके, तब अब आपको पता चल गया कि ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा वो एक कैरेक्टर को उठाएगा और पूरे रो में ट्रेवर्स करेगा, लेकिन लाइक क्लॉज को एक उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए कि क्या वो स्टार्टिंग से हो एंडिंग के हो कैरेक्टर या फिर मिडिल के कैरेक्टर हो, तभी वो फेच कर पाएगा, अदरवाइज वहां पे वो फेच नहीं कर पाएगा रिजल्ट को। ओके, अब आपको ये पूरी डिफरेंस आपको इससे पता चल गई प्रैक्टिकल में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।